नमस्कार दोस्तों, अभी हमें योग साधना केंद्र में हैं और हमारे साथ आचार्य पंकज जी हैं और मैदानगढ़ी में हैं हम, और यहाँ पर हम आपको विशेष रूप से दिखाएंगे शिव जी की यहाँ पर ख़ास तौर पर पूजा है और कैसे कुछ इनकी क्या कुछ विशेषताएं हैं ये आपको विस्तार रूप से हम बताएंगे। आचार्य पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ शिव जी की ढेर सारी प्रतिमाएँ और ख़ास तौर से शिवलिंग देख रहे हैं, इनका पूजा भी हो रहा होगा, तो कैसे स्थापना हुआ, क्या कुछ हुआ, विशेषता बताइए। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवलिंग यहाँ पर विराजमान हैं। जी जी। और इनकी स्थापना हाई कोर्ट के जज उस समय थे NC कोचर साहब, उनके कर कमलों से हुआ था और वो स्वामी जी महाराज के जो है अनन्य शिष्य में से थे जी। और स्वामी जी के बड़े कृपा पात्र रहे वो, तो उन्हीं के कर कमलों से द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। और द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं वो हर जगह स्वयंभू हैं, और कहीं पर ये कथा है कि जैसे कि मैं आपको एक श्लोक बताऊं कि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घोषमेशम शिवालये। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग का पूजा एक साधारण सामाजिक व्यक्ति के लिए जो है जा करके करना जो है संभव नहीं हो पाता, तो इसीलिए स्वामी जी महाराज ने इन 12 शिवलिंगों की स्थापना जो है एक जगह कराई। और यहाँ पर अभी जो श्रावण का मास जो गया है जी जी, तो पूरे श्रावण मास में सुबह से लेकर के शाम तक या रात तक रुद्राभिषेक चलता रहा है। और यहाँ पर खासकर इसलिए जो है अत्यंत ज़्यादा मतलब श्रद्धालुओं की भीड़ होती है क्योंकि हर जगह जो है ये द्वादश ज्योतिर्लिंग नहीं मिल पाता, ये कहीं कहीं पर ही है जी। और यहाँ पर लोगों को सुलभ है, और यहाँ पर हमारे पंडित जी जो है एक से एक वैदिक विद्वान हैं यहाँ पर, और वो लोग जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है रुद्राभिषेक कराते हैं। और लोगों को पहले से जो है मतलब समय लेना होता है और पूरे श्रावण मास जो चलता रहता है, तो एक साथ जो है 12 शिवलिंग की पूजा मतलब हो पाती है, तो ये एक बहुत ही दुर्लभ है जी जी, बहुत दुर्लभ है। और यहाँ पर है स्वामी जी की ऐसी मतलब ऐसी कृपा हुई, उनको महादेव की प्रेरणा मिली और यहाँ पर उन्होंने ऐसी स्थापना किया। और ये स्थापित हैं 1989 में जो है इनकी स्थापना हुई थी, और तब से जो है यहाँ पर दिन पे दिन जो है श्रद्धालुओं का भीड़ मतलब ऐसा होता है, और महादेव भोलेनाथ की कृपा पात्र होते हैं सर। जी 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 हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर शिव जी की दर्शन मात्र से बहुत सारे कष्ट आपके हरण हो जाते हैं। और यहाँ पर जो विशेषताएं आपको बताया आचार्य जी वो अद्भुत है, और आते ही आपको विशेष रूप से यहाँ पर दिखेगा वो, और इसीलिए सावन मास में यहाँ पर काफ़ी कुछ कर सकते हैं ब्राह्मण यहाँ पर आकर पूजा पाठ भी कराते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर जल धारण? हाँ, दिल्ली में तो ऐसा कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ से नहीं आते हों, चाहे वो ग्रेटर कैलाश है, महारानी बाग है, फ्रेंड्स कॉलोनी है, उधर की तरफ जाए तो अशोक विहार, मॉडल टाउन, सिविल लाइंस, पूरे दिल्ली से जो है आगंतुक यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं जो स्वामी जी के पुराने कृपा पात्र रहे हैं वो आते हैं, और उनके दिखा देखिए दिन पर दिन और जो है मतलब यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या कि आप आए हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर परम शांति है, किसी भी प्रकार का जो आपको नहीं लगेगा कि दिल्ली जैसी महानगरी में इतने शोर शराबे वाले शहर के अंदर जो है आपको कोई ऐसा शांत स्थान भी मिलेगा। और यहाँ पर क्या है कि आप आराम से आकर के पूजा करें, भंडारे का प्रसाद लें, दर्शन पूजन हवन भजन सब चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, ये सबके लिए है। तो यहाँ पर जो एक बार आता है और उसको स्वयं पता लग जाता है कि वो कैसे पवित्र स्थान पर आया हुआ है, और जो एक बार आता है तो दोबारा फिर वो भगवान की कृपा होती है, वो स्वयं आता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको मंदिर के आरोपी दर्शन कराएंगे, योग साधना केंद्र मैदानगढ़ी में अभी हम हैं और चार्ज पंकज जी आपको दर्शन भी करा रहे हैं। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।